और बहुत अच्छा स्कूल है और बहुत मज़ा आया इस इवेंट में, क्योंकि भी दिल्ली NCR में सब करते हैं ऐसा इवेंट, हम भिवानी में कुछ करना चाहते हैं तो एवरीबॉडी एंजॉयड और लगा कि बचपन दोबारा से आ गया है। नहीं मतलब क्लीनिंग है, सफाई है, अच्छा व्यवहार है, टीचर भी बड़े कोऑपरेट करते हैं हर बात के लिए। आल्सो द स्टूडेंट ऑफ सेंट जेवियर्स एंड आई फील कॉन्फिडेंट अबाउट सेइंग लाइक आई एम द स्टूडेंट ऑफ सेंट जेवियर्स। फर्स्ट टाइम ऐसा प्रोग्राम देखा है भिवानी में जो बहुत अच्छा है। कपल डांस, मेल डांस, फीमेल डांस एंड आई एंजॉयड अ लॉट, इट वाज जस्ट इनक्रेडिबल। अच्छा लगा, मैंने और मेरी फैमिली ने बहुत एंजॉय किया। ऑसम डांस फॉर मी, इट वाज द फर्स्ट टाइम आई हैव सेलिब्रेटेड द डांडिया नाइट्स ओवर द सेंट जेवियर स्कूल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल आपको ले आया हूं डांडिया नाइट, वो भी भिवानी के सेंट जेवियर स्कूल में। फिलहाल आप देख सकते हैं, अगर आउटर को देखेंगे शायद आज की जो डांडिया नाइट है वहाँ पर जिस तरीके से आज फेस्टिवल का सेलिब्रेशन चल रहा है आपने गुजरात में, महाराष्ट्र में टीवी सीरियल्स में देखा होगा, लेकिन भिवानी में इतना शानदार डांडिया नाइट का प्रोग्राम फिलहाल मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप देखेंगे सेंट जेवियर के जो स्कूल्स मैनेजमेंट ने स्कूल को तैयार किया है स्पेशली इस नाइट के लिए, तो फिलहाल अंदर चलेंगे और देखेंगे। मेरे पीछे ये शानदार स्कूल है और उसी के अगर ग्राउंड की बात करूँ तो फिलहाल लोन में ये कार्यक्रम चल रहा है और आप इस तरफ थोड़ा आगे आके देखेंगे तो फिलहाल जो है यहाँ पर एक एंट्री गेट, सेकेंड गेट बनाया गया है जो स्पेशली आज के फेस्टिवल के हिसाब से बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से अलग अलग कोर्स लिखे गए हैं, बच्चों ने अलग अलग अपनी जो है वो रंगोली तैयार की हैं, या मैं बात करूंगा अपने अपने डिजाइन बच्चों के द्वारा तैयार किए गए हैं। इनको मैं बात करूं सांझी भी कहा जाता था पहले इस तरीके से, अभी वो पार्ट है, सामने बच्चों ने रावण तैयार किया है। डांडिया नाइट्स में जो कमाल बेमिसाल और आज का जो जिस तरह का प्रदर्शन बच्चों का रहा है, क्या कुछ कहेंगे, कितना एंजॉय किया आज? I enjoyed very well. It was very awesome dance for me. It was the first time I've celebrated the Dandiya Nights over the St. Xavier School, and it was a great experience for me. ओवरऑल स्कूल की बात करें, क्या ऐसा माहौल है बच्चों के लिए, एजुकेशन वगैरह कैसी है, सब अगर डेवलपमेंट की बात की जाती है स्कूल्स में वो कितना हो पाता है यहाँ पे? ओवरऑल द स्कूल इज ओवरऑल वेरी गुड एंड इट फोकसेस ऑन द प्रैक्टिकल लर्निंग। आई गेस एक्चुअली आई एम आल्सो द स्टूडेंट ऑफ सेंट जेवियर्स एंड आई फील कॉन्फिडेंट अबाउट सेइंग लाइक आई एम द स्टूडेंट ऑफ सेंट जेवियर्स, सो इट अ प्राइड फॉर मी दैट बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ सेंट जेवियर्स। व्हाइल एकेडमिक्स इट्स इज वेरी गुड एंड दे लाइक द क्लासरूम्स आर वेरी गुड डेकोरेटेड, वी हैव डीजी बोर्ड एक्सप्लेनेशन एंड मेनी थिंग्स मोर। आपने डांस किया आज? नहीं सर, मैंने एंकरिंग किया एंड इट वाज वेरी इनक्रेडिबल। आई एंजॉयड अ लॉट दिस गरबा नाइट, जस्ट फोर मून्स वर अटैच्ड टू दिस गरबा नाइट विद आवर पेरेंट्स, डांसेस वर देयर, कपल डांस, मेल डांस, फीमेल डांस एंड आई एंजॉयड अ लॉट, इट वाज जस्ट इनक्रेडिबल, माइंड ब्लोइंग। इन फोर डेज वी हैव डन वेरी हार्ड वर्क एंड टायरलेसली वी हैव वर्कड फॉर टू मेक दिस अमेजिंग एंड इट वाज ऑब्वियसली केम ट्रू एंड इट वाज इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस एंड आई लव्ड इट। उसी क्लास में पढ़ते हैं, कितने समय से स्कूल के साथ जुड़े हैं, कैसा माहौल है? सर आई स्टडी इन 9th स्टैंडर्ड and I am related to the school from the past 4 years and it's incredible sir, digital learning is there, smart boards are there and practical learning we are doing, we're going to computer labs, physics lab, chemistry lab, biology lab and enjoying a lot, learning is too good, practical learning is there, there's no need to cram the things, everything is being explained in the classrooms and I loved it a lot, this school is mind blowing for me sir. चलिए थैंक यू। और फिलहाल यहाँ पे पेरेंट्स हैं, डांस कर रहे थे, बड़ा सीख के आए हैं, मिसेज ने सिखाया था पहले से तैयार, पहले से थोड़ा बहुत आता अच्छा। है हाँ जी, क्या कुछ कहेंगे आज की जो डांडिया नाइट है, ये कमाल ढा दिया आप लोग तो बड़े स्टार्स। मैंने पहली बार एंजॉय किया है, स्कूल ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं तो बहुत अच्छा है, छोटे बच्चों के लिए, इंडियन कल्चर के लिए और हमारे आने वाले बच्चों के लिए अच्छा है स्कूल। और भी स्कूल भिवानी में ऐसा करें तो इंडियन कल्चर ज़्यादा आगे आए जो लुप्त होता जा रहा है। थैंक यू। आपके भी बच्चे नहीं, हम तो इन्हीं के साथ आए हैं जी। बिलाल कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा, वेरी फैंटास्टिक इवेंट इन सेंट जेवियर हाई स्कूल, बहुत ही अच्छा था, मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने बहुत ही इंजॉय करा, बहुत ही अच्छा था। चलिए कमाल है। कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं आप? थर्ड। अच्छा, कैसा स्कूल और आज का कैसा लगा आपको डांडिया नाइट? अच्छा लगा, मैंने और मेरी फैमिली ने बहुत इंजॉय किया। फैमिली ने और फ्रेंड्स ने भी? यस सर। अच्छा, स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई ठीक होती है? यस सर। अच्छा चलिए, हाँ जी आप स्टूडेंट हैं? Yes, 12th commerce. अच्छा, क्या कुछ कहेंगे, कैसा रहा आज का डांडिया? I feel happy to be part of it and it is genuinely awesome school. Actually, teachers are preparing us for CE exams. They are taking foundation classes for science student and commerce students and we are preparing for CA class, CA and they are conducting CA foundation classes. तो CA वगैरह के लिए जो पढ़ते हैं बड़ा बोरिंग भी होता है, बड़ा कई बार तो यूँ होता है कि बस
मुश्किल हो रहा है, तब इस तरह के इवेंट होते हैं तो उससे कहीं ना कहीं एक अलग एनर्जी आती है। या नाउ वी फील एनर्जेटिक रिफ्रेश ड्यू टू दिस इवेंट, सो या इट वाज फन एंड वी फील हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस इवेंट। थैंक यू सर। हाँ जी, कहाँ से हैं आप? सर भिवानी से हैं सर, और फर्स्ट टाइम ऐसा प्रोग्राम देखा है भिवानी में जो बहुत अच्छा है। बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छा स्कूल है, आई थिंक भिवानी में इससे अच्छा स्कूल नहीं होगा। अच्छा। और ऐसा प्रोग्राम नहीं, पूरा एंजॉय, फुल मजा विद फैमिली। तो रिवार्ड मिला है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? थर्ड। अच्छा, कैसा लगा आज डांस किया आपने? नहीं, ये मम्मी पापा को मिला है। बेस्ट कपल। अच्छा, बेस्ट कपल आप ही हैं क्या आज के? क्या कुछ कहेंगे? क्या वेरी नाइस, बहुत अच्छा स्कूल है और सबसे अच्छा तो कहने डांस करने को बहुत अच्छा मौका पहली बार किया है और पहली बार हमें नाना भी मिला है। फर्स्ट टाइम करा है, फर्स्ट टाइम मिला था। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। कमाल है। फिलहाल और अपने अपने बच्चे को पढ़ाते हैं आप? बच्चे को हाँ इधर ही पढ़ते हैं मेरे दोनों। कैसा और आज की इवेंट? स्कूल तो कमाल ही है और जो इवेंट जो इन्होंने लेके आए हैं ऐसा थीम मतलब मैंने देखा नहीं है कभी भिवानी के अंदर ऐसा कुछ है। और इस संस्था का तो वैसे भी बहुत नाम है मैंने देखा है क्योंकि मैं एज ए स्पोर्ट्समैन रह चुका हूँ तो पूरा इंडिया लगभग देख चुका हूँ। तो जो इवेंट्स यहाँ होते हैं ना, जो स्पोर्ट्स का एरिया है, जो एजुकेशन का जो एरिया है, सब अलग है। इतनी मतलब क्लीनिंग है, सफाई है, अच्छा व्यवहार है, टीचर भी बड़े कोऑपरेट करते हैं हर बात के लिए। मेरे दोनों बच्चे यहीं पढ़ते हैं और काफ़ी इंटेलिजेंट भी हैं और समय के साथ साथ ये स्कूल बहुत ग्रो कर रहा है, बहुत आगे जाए। चलिए, डांडिया वाली स्टिक लेके घूम रहे पेरेंट्स हैं आप? बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? हाँ जी। अच्छा, तो आज बच्चों के साथ आप सब ने भी डांस और मस्तियाँ की हैं? हाँ जी। अच्छा, कहाँ से आई हैं? यहीं से ही। चलो, फिलहाल बहुत सारे और स्टाफ और ये देखिए किस तरीके से पेरेंट्स इस स्टिक घर लेके जाएंगे। घर पे भी डांडिया होगा? बिल्कुल, ऑफ कोर्स जी, घर पे भी डांडिया होगा। एंड एक्सीलेंट एंड इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस बाय ऑल पार्टिसिपेंट स्टूडेंट्स एंड आई सीन दिस फर्स्ट टाइम इन भिवानी स्पेशली दिस सेंट जेवियर स्कूल। आई एम वेरी इम्प्रेस एंड वेरी हैप्पी। तो सीरियल्स में या फिल्मों में देखते थे डांडिया भी कोई चीज़ होती है नवरात्र पे इस तरह के? गुजरात और महाराष्ट्र में ज़्यादा होता है, बॉम्बे में ज़्यादा होता है। आज रियल में देखा, बहुत अच्छा लगा और मेरी गुड़िया ने पार्टिसिपेट किया इसमें, बहुत अच्छा लगे। स्कूल इस तरह के इवेंट करवाता है, इस तरह के फंक्शन करवाता है, उससे बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट की बात होती है। हम भी जब बीएड में पढ़ते थे ये बातें आती थी, सच में बच्चों का विकास, सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण हो रहा है। गुड़िया बहुत खुश थी, उसने बहुत अच्छा किया और ओवरऑल बहुत अच्छा था। पेरेंट्स ने और बच्चों ने खूब एंजॉय किया एंड मैनेजमेंट स्टाफ ने भी अच्छा मैनेज किया हुआ है। इंटायर मैनेजमेंट स्टाफ ने बहुत अच्छा मैनेज किया हुआ है और बहुत अच्छा लगा इधर। और एक तो देखिए राजस्थानी वेशभूषा है, इसको कह सकते हैं गुजराती है या आपका? राजस्थानी सेम ही रहता है गुजरात और राजस्थान। हाँ, थोड़ा सफर रहता है गुजरात और राजस्थान। कितना आप लोगों को एंजॉय करने को मिला बच्चों के साथ? मेरे को बहुत एंजॉय करने के लिए, मैंने डांस भी किया और उसमें मुझे पार्टिसिपेट में मुझे गिफ्ट भी मिला। कमाल हो गया, ये तो एक काम और दो दो उसके वो हो गए। तो क्या कहेंगे आज, खुश आप ज्यादा है मैडम, नाची है लेकिन It seems like our old days came again. So everybody enjoyed और लगा कि बचपन दोबारा से आ गया है और वाइफ के साथ एंजॉय किया, ऐसा लग रहा था कि पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है तो एक अच्छा इवेंट था ये, है ना। जनरली क्या होता है कि पेरेंट्स दे यूज़ टू कम एंड गो, बस आके बैठ के चले जाते हैं वापस। आज ऐसा लगा कि सभी को मौका दिया गया, जो विलिंग थे लोग स्टेज पर आए और एक अच्छा एक माहौल लगा है। जी जी। बच्चे आप पढ़ते हैं यहाँ पे? हाँ, 11th क्लास में। अच्छा, तो कैसा रहा आज का, डांस किया आप लोगों ने? हाँ, बहुत ज़्यादा किया, वी रियली एंजॉयड अ लॉट और बहुत अच्छा स्कूल है और बहुत मजा आया इस इवेंट में। अच्छा स्कूल है क्योंकि इस तरह के इवेंट करवाते रहते हैं। इवेंट इसमें भी अच्छा है और पढ़ाई में भी अच्छा है। अच्छा, तो ये डांडिया वाला पहली फर्स्ट टाइम है? हाँ, फर्स्ट टाइम है ये स्कूल में। स्कूल मैनेजमेंट को कहना चाहेंगे कि हर बार होना चाहिए? हाँ, हर बार होना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छा था और हमने बहुत इंजॉय करा। ये देखिए स्टाफ भी आज मेरे हिसाब से, आप स्टाफ से हैं, धोती संभाल रहे हैं आप? ये सर, प्रोग्राम के साथ साथ। बिल्कुल सर। क्या कुछ कहेंगे, ये तो हरियाणवी और उस तरफ राजस्थानी और गुजरात की तरफ का कल्चर। ये सर एक्चुअली हम लोग मल्टी कल्चर में बिलीव करते हैं, डाइवर्सिटी इन कल्चर। सो सबका अगर ट्रेडिशन आउटफिट देखेंगे तो सबका किसी का गरबा से रिलेटेड मिलेगा, किसी कोई हरियाणा कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हर कोई अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कमाल है। और आप स्टाफ से ही हैं? यस सर, बिल्कुल। क्या कुछ कहेंगे, आज आपको भी इंजॉय करने का मौका? जी सर, बिल्कुल मिला और फुल इंजॉय किया हमने, पूरा पार्टिसिपेशन था स्टाफ का, फैमिलीज का और इनविटेशन जिनको हमने दिए, सब ने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत अच्छे से इन्होंने हमें पार्टिसिपेट। फर्स्ट टाइम मैनेजमेंट का फैसला था ये?
नहीं सर, मैनेजमेंट हमारे साथ हमेशा सपोर्ट में रहती है, हमेशा ऐसे फंक्शंस करती रहती है, मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी है, हमें फुल सपोर्ट करती है। जी जी। क्या कुछ कहेंगे आज के इवेंट, बच्चे खुश, पेरेंट्स खुश और स्टाफ भी खुश। आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम वी हैव कंडक्टेड ओवर हियर। बेसिकली आई बिलोंग टू गुड़गांव एंड फर्स्ट टाइम वी हैव कंडक्टेड द इवेंट ओवर हियर इन सेंट जेवियर स्कूल। आई एम लिटरली मेसमराइज टू सी द परफॉर्मेंस ऑफ द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एज वेल एज पेरेंट्स ऑल्सो। प्रिंसिपलशिप आप कितने टाइम से कर रही हैं? आई वॉज जस्ट 35 years old, इट मीन्स दैट ऑलमोस्ट 9 years, 9 to 10 years। यहाँ का एक्सपीरियंस यहाँ कितने टाइम से जुड़ी हैं? भिवानी के बच्चों को क्या कुछ चाहिए होता है, पेरेंट्स को क्या चाहिए होता है? आई केम ओवर हियर स्पेशली इन भिवानी, दैट इज द रीजन टू कम ओवर हियर। आई वॉन्ट टू गिव देम द होलिस्टिक डेवलपमेंट राइट, दैट 360 degree। इट मीन्स दैट इंटीग्रेटेड अप्रोच शुड बी देयर वेन एवर दे आर लर्निंग, दे शुड यूज ईच एंड एवरीथिंग इन द रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस। सो दिस इज द proof what we have done today. Now the students who are over here on the stage, they are very much confident how to perform in front of the students, how to perform in front of the parents, how to perform in front of the guests also. So this is the thing, I believe that this is the proof what we have done today about the 360 degree approach and the holistic development. आज के प्रोग्राम के बारे में हिंदी में, क्योंकि हिंदी वाले पेरेंट्स हमारे साथ ज्यादा होते हैं, लोग ज्यादा होते हैं, तो हिंदी में क्या कहेंगे? कितना एंजॉय आपने डांस किया? प्रिंसिपल को डांस या घर का जो बुजुर्ग होता है उसको थोड़ा सा रोब में रहना पड़ता है। यस, बट वी बिलोंग टू 21st century। अगर हिंदी की बात करें तो थोड़ी सी माय हिंदी इज वीक राइट। आई केम ओवर हियर इन इंडिया 2013 ओनली, बिफोर दैट आई वाज लिविंग अब्रॉड ओनली। सो या, सो दैट इज द रीजन थोड़ा सा मेरा हिंदी में हाथ तंग है, दैट इज द रीजन। बेसिकली आप गुरुग्राम से? बेसिकली आई बिलोंग टू पंजाब, but I left India in 2001, so I spent over there around 18 years, and even 5 countries I have changed. Before that I was in Canada, then Thailand, then Singapore, then Malaysia and Jakarta also. So very vast experience I have. कई कंट्री का एक्सपीरियंस है आपके पास, तो बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट जो हम पढ़ते हैं वो हो पाता होगा, आप सिखा पाती होंगी। So that is the thing I am telling you, because each and everything whatever we have collaborated I am putting over here in the school so that my students, my Xavier students, they can shine. तुझे स्कूल के डायरेक्टर मिसेज कीर्ति चौहान मिल गए हैं, क्या कुछ कहोगे आज इस तरह का इवेंट? स्कूल खास करके पेरेंट्स को आज मिला, स्टाफ भी इंजॉय कर रहा था, बच्चों की तो खुशियाँ चार चांद लग गए थे। इस तरह के इवेंट से आप लोग कितने खुश हो? हमें ये लगता है बच्चों पे आज के टाइम में एकेडमिक प्रेशर बहुत है और पेरेंटिंग में इतना इन्वॉल्व होते हैं दे फॉरगेट टू लिव देयर लाइफ। तो स्कूल एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जो फैमिली की तरह हम पेरेंट्स के साथ बच्चों की पेरेंटिंग को, एजुकेशन को, हर चीज़ को हम शेयर करते हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया एक फेस्टिवल, मतलब पूरी कंट्री है, चाहे हम वेस्ट की बात करें, आज गरबा नाइट सेंट जेवियर्स में हमने बनाई है। तो ऐसा मौका ये नहीं है कि हम हरियाणा में हैं तो हम खाली हरियाणवी कल्चर को ही लेके चलेंगे। तो आप देख सकते हैं हम इवेंट अभी ख़त्म हो रहा है बट माय स्टूडेंट दे हैव देयर परफॉर्मेंसेस, वो बोल रहे हैं अभी भी वी डोंट वॉन्ट टू गो होम। तो ऐसा एक मौका पेरेंट्स को, बच्चों को, मेरे टीचर्स को भी मिलना चाहिए, क्योंकि स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर वी मेक फाउंडेशन ऑफ द सोसाइटी, हम फ्यूचर बनाते हैं सोसाइटी का। और उसके लिए खाली एक पढ़ाई नहीं, उनके लिए सोशल होना, बच्चों को अलग अलग चीज़ों का एक्सपीरियंस होते रहते हैं। यस, हम सेंट जेवियर्स में अलग अलग इवेंट्स, मतलब वो चाहे गणेश चतुर्थी हो, चाहे गुरु पर्व हो, या फिर बसंत पंचमी हो, जन्माष्टमी हो, हम हर धर्म को यहाँ पे फॉलो करते हैं। जी, क्या कहोगे? डांस किया आप लोगों ने आज का डांडिया नाइट, एंजॉय किया? नहीं, मैं तो मिस कर गया था, मैम ने किया था। मैम ने किया? हाँ जी, मैं बच्चों को लेने चला गया था घर। अच्छा। तो उस दौरान डांस, कपल डांस जो हो चुका था, तो इन्होंने फ़ोन भी किया मेरे को एक दो बार, मैं रास्ते में ट्रैफिक में फंस गया था, फिर गाड़ी थोड़ा टाइम लग गया आने में। लेकिन फीमेल जो है वो मिस नहीं करती डांस और इस तरह का इवेंट हो तो फिर। हाँ जी, कैसा लगा आज? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ मैनेजमेंट से बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि भिवानी की खास करके महिलाओं को मौका नहीं मिलता। हमने सोचा कि अब के बार बच्चों को तो एंजॉय करने का मौका मिलेगा ही मिलेगा, खास करके पेरेंट्स और उनकी मदर्स को ये मौका हम देना चाहते हैं। हाँ जी, भी बहुत अच्छा लगा आपका ये प्लान। बहुत ही अच्छा, अच्छा पसंद आया। हाँ, आने वाले वक्त में होना चाहिए। हाँ जी। कौन सी स्टैंडर्ड में, कौन सी क्लास में बच्चा पढ़ता है? 6th standard और एक 9th में। अच्छा, हम दो बच्चे हैं। यहाँ का बच्चे का जुड़ाव यहाँ से, जब बच्चा आना शुरू हुआ है, कितना असर, कितना स्कूल का प्रभाव है?
काफ़ी कुछ प्रभाव है स्कूल का। स्कूल अच्छा है, एजुकेशन तो अच्छी है ही है, इन्वायरमेंट भी अच्छा है, टीचर्स का जो मेथड है पढ़ाने का वो काफ़ी फ्रेंडली है और बहुत अच्छा है। बच्चों को भी एक तरीका, जिस तरीके से वो समझा रहे हैं, सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, बहुत अच्छा है सर। चलिए, डायरेक्टर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, तो इनसे बात कर लेते हैं, क्या कुछ कहेंगे? लास्ट तक संभालना होता है, केयर करनी होती है, और आज के प्रोग्राम से तो सब खुश हैं। देखिए, हम सेंट जेवियर्स में हर साल कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं। अब बड़ा शुभ दिन था नवरात्रों के उपलक्ष्य में, हमने गरबा नाइट यहाँ करी थी हमारे पेरेंट्स के लिए, ये भी एक हमारा परिवार है, तो पेरेंट्स आए, बच्चे आए, खूब एंजॉय करा। भिवानी में हम सोचते हैं कि भी दिल्ली NCR में सब करते हैं ऐसा इवेंट, हम भिवानी में कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए हम कुछ ना कुछ हर साल अलग अलग तरीके से इवेंट्स करते रहते हैं जी। तो इस तरह के इवेंट्स से आने वाले में बच्चों के जो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की जाती है उसमें कितना असर पड़ता है? बच्चों को पढ़ाने के लिए तो मैं बहुत सारी अकेडमीज में जाता हूँ, सब जगह जाते हैं, लेकिन पढ़ाई पे प्रेशर होता है, लेकिन इस तरह के जो ओवरऑल डेवलपमेंट की बातें होती है, चाहे गेम हो चाहे इस तरह के इवेंट हो, उससे कितना असर पड़ता है? देखिए, सेंट जेवियर्स पढ़ाई में तो कहीं ना ऑल ओवर इंडिया में नाम है ही, लेकिन पहले ही हम साइड बाय साइड ओवरऑल ग्रूमिंग बच्चों की करते हैं, जिसमें कि आप स्पोर्ट्स में देख लीजिए, हम स्पोर्ट्स में नेशनल लेवल पे हम प्लेयर्स दे रहे हैं स्कूल्स में, आप देखिए स्टेट लेवल पे हम प्राइजेस लेके आए हैं, नेशनल लेवल पे हमारे इवेंट्स होते हैं, और कल्चरल इवेंट्स हम करते रहते हैं ताकि बच्चों को डे टू डे अलग से एक प्लेटफॉर्म मिले और बच्चों के ओवरऑल ग्रूमिंग हो। चलिए, फिलहाल ये था सेंट जेवियर स्कूल से शाम और उसके बाद रात का सफ़र हमने आप तक तय किया। लगभग हम 4 से 5 घंटे यहाँ बैठे रहे, हमने देखी वो तस्वीरें, खुशनुमा मदर्स खास करके पेरेंट्स साथ में डांस करते हुए, जो कभी नहीं होता था भिवानी में वो अब होना शुरू हुआ है। सेंट जेवियर से उसकी शुरुआत हुई है, डांडिया नाइट जो आप देखते हैं गुजरात में, बहुत सारे रिश्तेदार आपके मुंबई में रहते हैं या फिर महाराष्ट्र में रहते हैं, वो डालते हैं अपने स्टेटस पर, वो आज आपने इंजॉय किया भिवानी में। फिलहाल ये तस्वीरें आप तक पहुँचाने के लिए हमारी टीम पहुँची थी भिवानी अपडेट की। तो फिलहाल आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में लिखें कि आपको कितना एंजॉय करने का मौका मिला और आने वाले वक्त में आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस प्रोग्राम में। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करें, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय।